हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चनों कराऊंगा, जो दोस्तों आपके यहाँ पर जीके के हैं, सामान्य ज्ञान के यहाँ पर हैं। और दोस्तों आपके सभी एग्जाम में यहाँ पर काम आएंगे, जो भी आपकी परीक्षा आप देंगे दोस्तों उनमें बहुत बहुत काम आएंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पर ध्यानपूर्वक इनको देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज़ ही मिलती है नई नई वीडियो दोस्तों एग्जाम के आधार पर और नए नए क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इत्मीनान से आप वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये सिद्धार्थ होंगे या महावीर होंगे या कौटिल्य होंगे या कोई नहीं। इनमें से यहाँ पर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका नाम दोस्तों बचपन में क्या था, सिद्धार्थ था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे, सिद्धार्थ आएगा तब भी सही है और गौतम बुद्ध आएगा तब भी आप टिक कर देंगे। और महावीर दोस्तों जैन धर्म के थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, महावीर ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी। ये संस्कृत होगा, पाली होगा, प्राकृत होगा या अपभ्रंश होगा। दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्राकृत, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए महावीर की जगह दोस्तों गौतम बुद्ध आएगा, तो उनका भी दोस्तों उन्होंने भी प्राकृत भाषा में ही अपनी शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने नागफनी को देखा होगा दोस्तों, ये एक मरुस्थलीय पौधा है। यदि आपका क्वेश्चन आएगा कोई मरुस्थलीय पौधा कौन सा है, तो उसमें आपका नागफनी है, बबूल है। अब यहाँ पर देखिए नागफनी में दोस्तों बेसिकली आप देखेंगे पत्तों के द्वारा प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन आपने देखा होगा नागफनी में कोई पत्ते नहीं होते, तो ये कौन से भाग से करेगा, कांटों से, जड़ से या फूल से या तने से। तो ये आपका यहाँ पर तना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डॉल्फिन एवं व्हेल श्वास कहाँ से लेती हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने मछली को देखा होगा, मछली कहाँ से लेती है, गलफड़ों से लेती है, गलफड़े या फिर आप गिल कहें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉल्फिन और आपका व्हेल है, इनमें दोस्तों गलफड़े नहीं होते, तो ये कहाँ से लेंगी, गिल से लेंगी या नासा द्वार से या पूंछ से या फिर आँख से। ये आपका हो जाएगा दोस्तों नासा द्वार से, ये आपका नासा द्वार आएगा या फिर आपका वाच छिद्र आएगा। ये आपका सर में होता है दोस्तों इनके, मछलियों के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला इनके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है, या फिर आप कहें दोस्तों संसद के सदस्यों की संख्या। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपका 543 आएगा, 550 या फिर आपका 500 या फिर 530। दोस्तों आपका यहाँ पर होगा 543, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला 543। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रमंडल के खेलों का आयोजन कब हुआ था आपको बताना है, 2005 में या 2007 में या 2010 में या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका हुआ था 2010 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है। दोस्तों चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है, किसको अधिकार होता है आपको बताना है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चुनाव आयोग या वित्त आयोग। ये आपका होगा दोस्तों चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ही दोस्तों ये सब जारी करता है और बहुत पावर होती है दोस्तों चुनाव आयोग में। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। ये बछेंद्री पाल या राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रांग या कोई नहीं। ये दोस्तों हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग, इन्होंने दोस्तों 1969 में पहली बार ही गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको बताना है। दोस्तों प्रकाश की चाल कितनी होगी, यहाँ पर बेसिकली जब सूर्य का प्रकाश आता है तो कितनी चाल होती है। ये दोस्तों 3×10^5 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3×10^7 या 3×10^9 या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप किलोमीटर प्रति सेकंड में आपको दिया है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर होगा 3×10^5, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर यदि आपका दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होगा तो ये दोस्तों आपका 3×10^8 हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे मीटर प्रति सेकंड या फिर आप किलोमीटर प्रति सेकंड में आप बदल लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष कहें दोस्तों या फिर आप इसे अधिवर्ष कहें, इसमें कितने दिन होते हैं, 365 या 366 या 367 या 370। इसमें होंगे दोस्तों आपके 366, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। इसमें दोस्तों आपकी फरवरी कितनी जाती है, 29 जाती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा।
तो ये थे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, इनको आप तैयार कर लेंगे और भी इस तरह क्वेश्चन को हम आपको लगातार बताए रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।